संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई है, इस कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी अंजलि अर्थात हाथ में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी की गई स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माँ का आह्वान किया। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव, आपने मेरा स्मरण कैसे किया? संसार पे एक विकट समस्या आ गई है, इस कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। हमारे इस संकट का निवारण करें परमपिता। और उनकी समस्या का अंत भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? हे आदिशक्ति दुर्गा माता, इस संसार पे एक विकट समस्या आ गई है, हमारे इस संकट का निवारण करें। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो कि एक दिव्य नारी के स्वरूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था। एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। ये अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ये जो स्त्री मेरे तेज से उत्पन्न हुई है, ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी, जैसे देवी लक्ष्मी श्री विष्णु की पत्नी है, अर्थात देवी पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनका प्रकोत्सव भी माना जाता है।